आज हम लोग जा रहे हैं दिव्यांशु को टेस्ट दिलवाने और पूरा वीडियो मैं दिखाऊंगी स्कूल तक का, गुरुकुल स्कूल कैसा है क्या है सारा कुछ मैं दिखाऊंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ। तो यहाँ पर दिव्यांशु आज हो गए हैं रेडी और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग। तो कैसा लग रहा है दीप? अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड लग रहा है। एक्साइटेड हो? अच्छा, तो डर नहीं लग रहा है कि टीचर क्या क्या पूछेगी? क्यों डर, क्यों लगेगा? अच्छा, तो इनके पापा भी यहाँ पे निकल गए हैं, देखिए। दोनों पापा बेटा अभी तैयार हो गए हैं और मैं भी हूँ रेडी, मैं भी हूँ रेडी, मैं भी जा रही हूँ। तो हम तीनों ही जा रहे हैं साथ में, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे लिफ्ट आ गया है और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। लो डाल, चलो बैठो। अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी चल रहा है तो अभी हम लोग स्कूल जाने से पहले स्टूडियो में आएंगे और स्टूडियो में दीप का फ़ोटो खिंचवाएंगे क्योंकि हमें फॉर्म के साथ वहाँ पे फ़ोटो भी देना होगा। तो फ़ोटो यहाँ पे हमने ले लिया है दीप का और अब हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए। तो ये सब रास्ता का व्यू है दोस्तों, ये सारा कुछ आपको रास्ते में मिलेंगे जो जो रास्ते में दिखा रही हूँ। अभी तो हम लोग लोढ़ा पलावा से निकल रहे हैं, तो ये लोढ़ा हेवन का है नदी के साइड का रोड, एक्सपीरिया मॉल के पास अभी हम लोग जा रहे हैं और वहीं से जाएंगे। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। यहाँ पे आपको खिड़काली मंदिर के बाद मिलेगा ये स्कूल, देखिए खिड़काली गांव करके जो गेट है वो भी मिला है। और अभी हम लोग हाईवे क्रॉस करेंगे, उस तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया है हाईवे को और यहाँ पे सालू होटल के पास से हम लोग अंदर जाएंगे। तो सालू होटल के पास से जो रास्ता है वो थोड़ा शॉर्टकट है, तो वहीं से अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ सालू होटल के पास हम लोग आ गए हैं और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। दो तरफ से है रास्ता, एक और आगे से भी है रास्ता, पर इधर से थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ता है। देखिए सालू होटल है यहाँ पे और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। थोड़ा सा अंदर में है स्कूल, अगर आप भी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। वैसे हमने इंक्वायरी किया है कि बारिश में आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होता, पानी तो नहीं भर जाता, पर वहाँ के आसपास के लोग यही बताए कि नहीं पानी तो नहीं भरता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं स्कूल पे, यही है गुरुकुल स्कूल। थोड़ा सा मतलब आउट में इन्होंने खोला है, बहुत शांति माहौल है। एजुकेशन के हिसाब से मतलब अच्छा ही है कि बच्चों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा पढ़ाई में। रोड पे स्कूल रहता है, मेन रोड पे तो बहुत गाड़ी की आवाज़ें ये वो होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो यहाँ पे वॉचमैन एक आपको मिलेंगे बैठे हुए और इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑफिस में। और ये छोटा सा गार्डन स्कूल के एरिया में बच्चों को खेलने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। अभी दिव्यांशु को ले जाएंगे टीचर अंदर उनका टेस्ट के लिए। दिव्यांशु को ले गए और मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, थोड़ा सा स्कूल के बाहर का एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है क्या है। यही है ओपन एरिया जहाँ पे बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स वगैरह सब, और छोटे बच्चों के लिए गार्डन है। बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है स्कूल का, छोटा सा ही ग्राउंड है
हो सकता है आगे चल के बनाए बड़ा ग्राउंड जब स्कूल थोड़ा और बड़ा हो जाए। और अभी थर्ड फ्लोर तक है स्कूल और ऊपर और काम चालू है स्कूल का, एक फ्लोर और बन रहा है ऊपर में। तो दोस्तों कैसा लगा ये स्कूल? और यहाँ पे हमने फॉर्म ले लिया है और इनका टेस्ट भी हो गया है दिव्यांशु का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और अभी छोटा स्कूल खुल रहा है, नया है, तो हो सकता है कि बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें टीचर्स लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जब हो जाता है बच्चों का तो उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं टीचर लोग बड़े बड़े स्कूलों में, इसीलिए हम लोग करवाए। CBSE बोर्ड भी है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।